हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आ गए हम अपने नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। इससे पहले मैंने बहुत टाइम पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाला था, उसमें मुझे कमेंट आई थी कि आप रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए कोई न्यूमेरिकल बताएं। तो मैंने क्वेश्चन इजी सा फाइंड किया जो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसको देखकर आप अदर क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास में, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट 50 हर्ट्स इज अप्लाइड टू अ कॉइल विच टेक्स 5 एम्पियर ऑफ करंट। द पावर अब्सॉर्ब बाय द सर्किट इज 1 किलोवाट। फाइंड द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप इसका सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही सब ड्रॉ करके रखा हूँ, आप बस समझ ले और इसे प्रैक्टिस करें। देखिए, यहाँ पर पावर अपन को दिया हुआ है 1 किलोवाट, 5 एम्पियर करंट और 250 वोल्ट 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। और अपनों को पता जो करना है इसके अंदर, टू फाइंड रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, जिसे हम R और L से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपन गिवन जो है वो लिख लेंगे। पावर है दिया हुआ अपन को क्वेश्चन में 1 किलोवाट, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट। तो सबसे पहले हमें पावर को किलोवाट से वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसका सिंपल मेथड है, इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर आपके, टू फाइंड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर एंड एल, वी हैव फार्मूला ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इस फार्मूले से क्या होगा, इस फार्मूले से हमें आर पता लग जाएगा। अब हम आर क्यों निकाल रहे हैं, मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप की फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आता जाएगा। पावर का फार्मूला इन टर्म्स करंट एंड रेजिस्टेंस। पावर है अपने पास में 1000 वाट, अपन ने लिख दिए। आई है अपने पास में, आई मतलब करंट, करंट जो है 5 एम्पियर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन में भी अपन ने लिख लिए है। यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है 5 स्क्वायर, और आर अपनों को फाइंड करना है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इस कैलकुलेशन के बाद में ये R इज इक्वल टू 40 ओम्स हो जाएगा। फिर अपने पास में एक पावर का और एक फार्मूला है, मैं आपको पावर का एक पावर के फार्मूले का एक चार्ट दे दूंगा, जिसमें आप सब फार्मूले लर्न कर लेना लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। पावर है अपने पास में 1000 वाट, सॉरी वोल्टेज अपने पास में 250, करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। अब हमें पता करना है कॉस फाइव अपन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इससे हमें मिलेगा 5, और 5 से हम 10 फाइव निकालेंगे, जो कि अपने पास में है XL/R, जिससे हमें XL मिलेगा, और फिर हमें XL से L मिलेगा। आप समझते जाए, मैं आपको बताते जाता हूँ। जिसे अपन हम पावर का फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं, 100 cos 5 की वैल्यू मिलेंगी इसको कैलकुलेट करने के बाद में 0.8। सो 5 हमें निकालना है 5, तो हमें कॉस इनवर्स 0.8 लेना पड़ेगा। जैसे हम इसे कैल्शियम में सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 36.869। हम इसे टैन 5 निकाल सकते हैं। टैन 5 अपने पास में फार्मूला है XL/R, इससे हमें XL मिलेगा। 0.75 इज इक्वल टू XL/40। 40 कहाँ से आया, R अपन ने निकाले थे ऊपर रेजिस्टेंस, वही सीधे सीधे अपन ने यहाँ पर पुटअप कर दिए, इससे हमें XL मिला। इसको कैलकुलेट करने के बाद XL इज इक्वल टू 30 ओम XL मिला हमें। XL का फार्मूला है अपने पास में 2πfL। जैसे ही अपन XL मिला, अपने XL की वैल्यू यहाँ पर रखे 30 के बाद में 2π, फ्रीक्वेंसी हमें पता है 50 हर्ट्ज़ है, और इंडक्टेंस हमें निकालना है। हम जैसे ही इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 0.095 हेनरी। इंडक्टेंस जो हेनरी में होता है, आप
यूनिट्स लगाना ना बोले, यूनिट्स पर एक मार्क्स होता है। तो हमें रेजिस्टेंस भी मिल गया 40 ओम और इंडक्टेंस भी मिल गया 0.095 हेनरी। अच्छे से प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं प्रैक्टिस से ही हमें समझ में आते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ऐसे ही कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, मैं उस पर पूरी कोशिश करूँगा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाने की। थैंक यू।